वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो है टॉप लोड कैटेगरी से। आज हम बात करेंगे सैमसंग के न्यूली लॉन्च टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। तो इसी मंथ अगस्त 2022 के अंदर सैमसंग ने अपनी नई टॉप लोड रेंज लॉन्च करी है। उसी कैटेगरी में से एक मॉडल को आज मैं आपके सामने ओपन करके दिखाऊंगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सैमसंग के ये नए मॉडल्स आपको सभी साइजेस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो कैसे ये मॉडल्स हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, ये सब चीजें मैं आज आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई टॉप लोड वॉशिंग मशीन के ओवरव्यू के बारे में। 8 kg की लोडिंग कैपेसिटी के साथ ये वॉशिंग मशीन आती है एंड इसका मॉडल नंबर है WA80BG4542BD। एंड ये मशीन इसी मंथ अगस्त 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था। डार्क ग्रे कलर का फिनिशिंग के साथ इसका बॉडी कलर आता है एंड ब्लैक केवियर इसका डोर का कलर आता है। ओवरऑल लुक वाइज ये मशीन काफी प्रीमियम लगता है। एंड इस वॉशिंग मशीन के नेट वेट की बात करें तो 28.5 kg का इसका नेट वेट है। एंड इस वॉशिंग मशीन की करंट MRP की बात करें तो 28,000 का इसका करंट MRP है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका परचेस लिंक चेक कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको वहां से भी परचेस कर सकते हैं। 5-star रेटेड एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाती है एंड इसी 5-star रेटेड स्टीकर के ऊपर इसका वाटर कंजम्पशन एंड एनर्जी कंजम्पशन भी रिटर्न होता है। इसके वाटर कंजम्पशन की बात करें तो 17.3 लीटर पर kg पर साइकिल का है। मतलब फुल लोड के अंदर ये वॉशिंग मशीन 138 लीटर पर साइकिल कंज्यूम करेगी। इसकी एनर्जी कंजम्पशन की बात करें 0.0083 kWh पर kg पर साइकिल का है। मतलब फुल लोड के अंदर ये वॉशिंग मशीन 0.0664 kWh पर साइकिल कंज्यूम करेगी। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको अर्गोनॉमिक डिजाइन रियर टच कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा। रियर साइड पैनल होने की वजह से पानी वगैरह लगने का या गीले हाथ लगने का भी चांसेस नहीं रहता है, तो पैनल कंपैरेटिवली सेफ रहता है। टच कंट्रोल पैनल होने की वजह से इस मशीन को यूज करना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। एक बार इस वॉशिंग मशीन को ओपन करके इसके ड्रम को भी चेकआउट कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील का ड्रम आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है, जिसके ऊपर डिजाइन आप देखेंगे तो डायमंड ड्रम डिजाइन देखने को मिलेंगे। तो जो ड्रम के ऊपर जो आपको होल्स मिलेंगे वो कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे मिलेंगे। मशीन के डिटर्जेंट डिस्पेंसर बॉक्स में आपको बबल स्टॉर्म का फीचर देखने को मिलेगा। तो जब वाटर इस डिस्पेंसर ट्रे के थ्रू पास आउट होता है तो वो बबल्स क्रिएट करता है और बबल्स का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पर आपको बेटर वॉशिंग के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एंड इसके पल्सेटर डिज़ाइन की बात करें तो सैमसंग इसके पल्सेटर डिज़ाइन को ड्यूल स्टॉर्म कहता है। तो ड्यूल स्टॉर्म के अंदर ये कपड़ों को ट्विस्ट एंड रब करता है, तो यहाँ पर इफेक्टिव क्लीनिंग देखने को मिल जाती है। एंड इस वॉशिंग मशीन के मोटर की बात करें तो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको इस वॉशिंग मशीन की मोटर के अंदर मिल जाती है। तो ब्रशलेस मोटर आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलती है, तो एक नॉन इन्वर्टर मोटर के कंपैरेटिवली इसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम रहता है। एंड वॉशिंग रिंसिंग एंड स्पिनिंग के टाइम पे जो नॉन इन्वर्टर मोटर के अंदर जो साउंड आता है, तो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर साउंड डेसिबल भी आपको कम देखने को मिलेगा। एंड इस मोटर की लाइफ की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी आपको इसकी मोटर के अंदर मिलती है, तभी सैमसंग इसके ऊपर आपको 12 ईयर का वारंटी देता है। सो ओवरऑल डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको ड्यूरेबल साइलेंट एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इस वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर आपको मैजिक फिल्टर का फीचर देखने को मिल जाता है। वॉशिंग करते हुए आपके कपड़ों से जितना भी लिंट या लूज माइक्रो फाइबर निकलता है वो इस फिल्टर के अंदर आके कलेक्ट हो जाता है। देन इस फिल्टर को आप रिमूव करके इजीली क्लीन करके आप इसको वापस लगा सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको स्मार्ट लॉन्ड्री केयर का फीचर देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये एक वाईफाई इनेबल्ड मॉडल है, तो सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू आप इस वॉशिंग मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू कई सारे फीचर्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाते हैं, लाइक लॉन्ड्री रेसिपी, लॉन्ड्री प्लानर, नोटिफिकेशन अलर्ट्स, या आपको ट्रबल शूट करना है तो आप वो भी आप रिमोटली कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छा लॉन्ड्री का एक्सपीरियंस आपको इसके स्मार्ट लॉन्ड्री केयर के फीचर की हेल्प से मिल जाता है। एंड इंटेंसिव वॉश का भी फीचर आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है। अगर आपकी लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा हैविली सॉइल्ड है तो इस फीचर की हेल्प से आप एफिशिएंट क्लीनिंग आप अपने कपड़ों के अंदर दे सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन के डोर के ऊपर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि एक सॉफ्ट क्लोजिंग डोर का फीचर है। एक बार इस वॉशिंग मशीन को ऑन करके देख लेते हैं। फुल्ली टच कंट्रोल पैनल आपको इसमें देखने को मिलता है एंड टोटल 10 प्रोग्राम्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाते हैं। इसमें से पहला प्रोग्राम मिलता है इसमें आपको नॉर्मल का, तो जितने भी आपके नॉर्मली सॉइल्ड क्लॉथ्स होते हैं वो आप इस प्रोग्रामिंग के अंदर इजीली वॉश कर सकते हैं।
देन सेकंड प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें क्विक वॉश का। अगर आपके पास कम गंदे कपड़े हैं और कम क्वांटिटी में कपड़े हैं तो इस वाले क्विक वॉश वाले प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। देन थर्ड प्रोग्राम आपको डेलिकेट्स का मिलता है, तो जितने भी आपके सॉफ्ट या डेलिकेट्स क्लॉथ्स हैं आप इस वाले प्रोग्राम के अंदर इजिली वॉश कर पाएंगे। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें बेडिंग का, जिसके अंदर आप बेड शीट, सोफा कवर, कर्टन्स, मतलब कोई भी कपड़ा जिनका लेंथ बड़ा होता है तो इस वाले वॉश प्रोग्राम के अंदर आप उन्हें इजीली वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें बेबी केयर का, तो बेबी के सॉफ्ट कपड़ों के लिए आपको जेंटल वॉशिंग का प्रोग्राम आपको बेबी केयर वाला मिल जाता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें जीन्स का, तो जितने भी आपकी जीन्स या डेनिम से रिलेटेड कपड़ा होता है वो आप इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें एनर्जी सेविंग का, ये बेसिकली एक इकोनॉमिकल प्रोग्राम है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें रिंस प्लस स्पिन का, अगर आपने कपड़े हैंड वॉश कर लिए हैं तो आप वॉशिंग मशीन के अंदर उनको रिंस और स्पिन भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इको टब क्लीन का, तो जिसकी हेल्प से आप इसके टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं एंड ये वॉशिंग मशीन आपको नोटिफिकेशन अलर्ट भी भेजती है जब इसके टब को क्लीन करने का रिक्वायरमेंट होता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें डाउनलोडेड का, कंपनी इन फ्यूचर कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है तो आप इसके अंदर उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर इस वॉशिंग मशीन को आप मैनुअल मोड पे यूज़ करना चाहते हैं तो टच पैनल की हेल्प से आप इसको कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इस वॉशिंग मशीन का जो मोटर का वॉटेज रहता है वो 220 से लेकर 240 वॉट का रहता है एंड 700 RPM का स्पिन स्पीड आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है। देन इसके अलावा ऑटो रिस्टार्ट का फीचर मिलता है, तो अगर पावर कट होके वापस आता है तो ये मशीन अपने प्रोग्राम को वहीं से रिज्यूम करेगी जहाँ से स्टॉप हुआ था। देन लास्ट में बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन की वारंटी एंड सर्विसेज की, तो टोटल 3 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है एंड टोटल 12 ईयर का इसका डिजिटल इन्वर्टर मोटर पे ऊपर वारंटी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके की इन फ्यूचर मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। आज के इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपके मन में होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके उस क्वेश्चन का जल्दी आंसर करने का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।